अलैकुम, आप देख रहे हैं सांझ न्यूज़ और मैं हूं राबिया अय्यूब। सबसे पहले अब तक की हेडलाइन। नवाज शरीफ ने कौमी सलामती कमेटी का अलामिया मुस्तरद करा दिया। कहते हैं अलामिया हकायक और हालात पर मबनी नहीं, पता चलना चाहिए मुल्क को इस लिहाज पर किसने पहुँचाया। साबिक वजीर आजम डॉन लिक्स की तस्दीक भी कर गए। नवाज शरीफ के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्तें, इस्लामाबाद ने फैसला महफूज कर लिया। बाबर आवाज ने साबिक वजीर आजम के खिलाफ अदालत से रुजू किया था। लाहौर हाई कोर्ट में भी दरख्वास्त पर समाअत आज। निगरान वजीर आजम कौन होगा, कल पता चल जाएगा। हतम मशावरत के लिए पीपल पार्टी का इजलास तलब। खुर्शीद शाह पार्टी की आदत को एतमाद में लेकर निगरान वजीर आजम के नाम का ऐलान करेंगे। प्रोशलम में अमरीकी सफारत खाने का इफ्तिदा। गजा पट्टी लहू लहू। एहतजाजी फलस्तीनियों पर इसराइली फायरिंग से शहादतें 58 हो गईं, 3000 के करीब जख्मी। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास का 3 रोजा शोक का ऐलान। सुपर पावर आपे से बाहर। फलस्तीनियों के कत्ले आम पर सलामती कौंसल में तहकीकात अमरीका ने रुकवा दी। बरतानिया और फ्रांस का इजहार तशवीश। सऊदी अरब की मजम्मत। तुर्की ने इसराइल और अमेरिका से सफीर वापस बुला लिए। पाकिस्तानी शहरी को कुचलने वाला अमरीकी अताशी अफगानिस्तान चला गया। कर्नल जोजफ की नूर खान एयरलाइन से रवानगी। जराये के मुताबिक अमेरिका ने सफारत कार के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की यकीन दहानी करा दी। अलजीजा स्टील मिल्स रेफरेंस की समाअत। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और मोहम्मद सफदर की पेशी। सरबरा GID बयान कला बंद करा रहे हैं। मुलजिमों के बयान रिकॉर्ड कराने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। नौकरियां दो, मुतालबात मानो। लाहौर में नबीना अफराद का धरना चौथे रोज भी जारी। मेट्रो सर्विस बंद होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। मांगे पूरी होने तक एहतजाज जारी रहेगा। मुजाहिरीन जिद पर कायम। अब्र गरम के बाद शहर बेमिसाल का मौसम कमाल। पिशावर में बारिश, वैसे ही पंजाब में सूरज का गुस्सा कम। अंदरूनी सिंध और बलोचिस्तान में गर्मी की शिद्दत बरकरार। कराची वाले खबरदार होशियार, अगले चंद रोज शहर का पारा हाई रहेगा। पाकिस्तान में रमजान मुबारक का चांद नजर आने का इम्कान। मरकजी रोयत हलाल कमेटी की बैठक के बाद खुशखबरी मिलेगी। सऊदी अरब में माह सयाम का चांद देखने के लिए इजलास आज। अमेरिका और कनाडा में पहला रोजा कल होगा। और आलमी शोहरत याफ्ता बॉक्सर आमिर खान पाकिस्तान पहुंच गए। आमिर नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में शरीक नौजवानों का हौसला बढ़ाएंगे। पाकिस्तानी नसाद बरतानवी बॉक्सर दीगर अहम तकरीबात में भी शिरकत करेंगे। आपने जानी अब तक की हेडलाइंस। मजीद तफसीलात और ख़बरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें www.sanjhnews.com।